हेलो एवरीवन, आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही आसान तरीके से ये मिठाई, जिसे आप देखते ही बनाएंगे। ना गैस जलाने की ज़रूरत है, ना मावा की, ना दूध की, एकदम न्यू रेसिपी है। चलिए इसको बनाते हैं। ये हमने मूंगफली ली है, छिली हुई मूंगफली ली है, इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। ये मैंने नारियल रखा हुआ था मेरे घर में, मैंने नारियल को ग्राइंड कर लिया है। आप चाहें तो नारियल का बुरादा भी ले सकते हैं। मैं शुगर ऐड कर दी है, ये मैंने मलाई ऐड की है। मलाई ऐड करने से आपको मावे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल आसान सी और यूनिक सी रेसिपी है, आप इसको ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। ये मैंने कुछ ड्राई फ्रूट ग्राइंड कर लिए थे, ये मैंने ऐड कर दिए हैं। आप स्किप भी कर सकते हैं और ऐड करना चाहें तो ऐड भी कर सकते हैं। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दस मिनट में बनने वाली रेसिपी है ये, दिवाली स्पेशल। आप बना के देखिएगा, ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। बहुत अच्छी यूनिक सी रेसिपी है, बहुत कम सामान में बनकर तैयार हो जाती है। ये हम इसको मिक्स कर लेंगे। ये हमने जो मूंगफली को ग्राइंड किया था वो ऐड कर लेंगे। मूंगफली हमने इसमें मिक्स कर दी है। अब हम इसमें थोड़ा सा फूड कलर डालेंगे, ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डालें, नहीं तो आपकी मर्ज़ी है। देखिए अब हम इसको सबको मिक्स कर लेंगे। बहुत आसानी से बनने वाली मिठाई है ये, ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। इसको हम अच्छे से बाइंड कर लेंगे, बिल्कुल रेडी, अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। ये हमने एक डो की तरह तैयार कर लिया है, ये देखिए हमारा डो बनके रेडी हो चुका है। अब हम इसके पेड़े तैयार करेंगे। आप इसको लड्डू की शेप भी दे सकते हैं, मैंने इसको पेड़े की शेप दी है। देखिए मुझे तो बहुत अच्छे लगे ये पेड़े, आप भी ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। ये मैंने पेड़े बना लिए हैं। आप इसको फ्रीज़र में भी रख सकते हैं ताकि ये सेट हो जाए। ये बरूदे में, गुले के बरूदे में मैंने इसको ट्रिप कर लिया है। ये देखिए सारे इसी तरीके से मैंने बना के रख दिए हैं। आपको अगर मेरी रेसिपी पसंद आए प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट कीजिएगा। ये मैंने इसकी डेकोरेशन के लिए इस पर बादाम लगा दिया। आप अपनी पसंद के हिसाब से कोई सा भी ड्राई फ्रूट इस पर लगा के रख सकते हैं। आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।